देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं राशिद अली। इतने दिनों से जिस दिन का इंतजार था कर्नाटक राज्य में, वो दिन आज आ गया है और सुबह से ही गिनती चालू है। आपको बता दें कि वहां पर मतदानों की गिनती चालू है और अभी पता चल जाएगा आज ही कि कर्नाटक में किसकी सरकार बनेगी। जी हाँ, क्या कर्नाटक में दोबारा कांग्रेस की सरकार आएगी या कर्नाटक की जनता वहां पर BJP को चुनेगी। आज सुबह से ही वहां पर गिनती चालू है और लग रहा है कि वहां पर शायद बहुत बड़ा दिन आज है, क्योंकि 12 मई को वहां पर वोटिंग हुई थी कर्नाटक में 222 सीटों के लिए, और उसके बाद 2 सीटों की अलग से हुई और आज नतीजे घोषित किए जा रहे हैं। इस दिन के लिए नेताओं ने अपनी रात दिन की नींद उड़ा दी, दिन का चैन खोया, रात की नींद खोई और बस लगातार अपनी मेहनत करने में जुटे हुए थे। सारा दिन रैलियां, रोड शो कर रहे थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, तो सिर्फ इसलिए कि कर्नाटक में किसी तरह से सरकार बन जाए। लेकिन अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सीधे लेके चलता हूं आपको कि बड़े बड़े न्यूज चैनल्स जो कि क्या दिखा रहे हैं। हालांकि सुबह से ये सब शुरू हुआ है, सुबह से गिनती शुरू हुई है और जब से देखना होगा कि आखिर कौन आगे है और कौन पीछे। आपको बता दूं आंकड़े दिखाने से पहले कि जहां पर आप देख रहे हैं कि नेटवर्क 18 जो कि BJP और कांग्रेस के बीच मुख्य लड़ाई दिखा रही है, कांग्रेस और BJP के बीच कांटे की टक्कर, बादामी से सिद्धारमैया को बढ़त मिल रही है। जी हां, कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो कि बादामी सीट से भी खड़े हुए हैं और चामुंडेश्वरी सीट से भी खड़े हुए हैं। बादामी सीट से ये आगे चल रहे हैं, लेकिन चामुंडेश्वरी सीट से इनकी क्या हालत है ये पता नहीं है। आपको दिखाना चाहूंगा BJP जहां 44 पर आगे है और कांग्रेस 37 पर है, JDS 22 पर है। आंकड़ा आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर, और अदर जो है वो एक उम्मीदवार, एक सीट देख सकते हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है। मैं आपको भी बता दूं, अभी 15 मिनट पहले का नतीजा, जबकि कांग्रेस आगे थी और BJP पीछे थी और JDS उससे भी पीछे। चलते हैं दूसरे न्यूज चैनल की और दूसरा न्यूज चैनल का सर्वे क्या कहता है, उसकी रिपोर्ट क्या कहती है, उसकी गिनती क्या कहती है। 224 सीटों के लिए जो मतदान है सरकार बनाने के लिए, उसमें 112 सीटें चाहिए और गिनती कितने सीटों की हो गई है ये आप देख सकते हैं। ABP क्या दिखा रहा है, BJP को 77 दिखा रहा है, कांग्रेस को 67 दिखा रहा है, JDS को 25 दिखा रहा है। हालांकि मैं अपनी बात दोबारा दोहराऊंगा, और 15 मिनट पहले ये आंकड़े कुछ और थे। दरअसल कांग्रेस आगे चल रही थी और BJP पीछे चल रही थी। जी हाँ, 222 सीटों में से 169 के नतीजे घोषित हो चुके हैं और वहां क्षेत्र में विधायकों के जीत की जो कि खुशी है अभी विधायकों तक ही है। लेकिन अगर अभी सरकार नहीं बनी है, जैसे ही घोषणा हो जाएगी कि कौन सी पार्टी जीती है, उस समय पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। तो वहीं देखते हैं अब आज तक का सर्वे क्या कह रहा है। जी हाँ, आज तक पे चलते हैं और ये किसको बढ़त मिलती हुई दिखा रहा है, कांटे की टक्कर है कांग्रेस और BJP के बीच। आप देख सकते हैं आखिर इनका आंकड़ा क्या कह रहा है ये देखते हैं। BJP 77 है देख सकते हैं आप, जो कि कांग्रेस अभी 68 पे थी मेरे बात करने के दौरान, मात्र 2 मिनट पहले वो 71 पर आ चुकी है। BJP 77 पे ही है और JDS भी 25 पर ही है। अभी हम 2 मिनट पहले बता ही रहे थे कि BJP 77 पे थी और कांग्रेस जबकि 68 पे थी और तीन सीट और आगे पहुंच गई है कांग्रेस 71 पर। और अभी अगर 15-20 मिनट पहले की मैं आपको बात बताऊं तो उसमें कांग्रेस आगे थी और BJP पीछे चल रही थी। खैर, ये तो ऊपर बढ़ते रहते हैं, जब तक नतीजे पूरी तरह से घोषित नहीं हो जाते तब तक हम नहीं कह सकते कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है। जी हाँ, और क्या क्या चल रहे हैं वो मैं आपको बता दूं कि नतीजे क्या कह रहे हैं, आंकड़े क्या कह रहे हैं। आप इनमें से देख सकते हैं कि BJP 77, कांग्रेस 31, JDS को 25, और ये जो लोगों के कमेंट्स भी इसमें आ रहे हैं और दिखा रहा है कि आखिर किसके बीच लड़ाई है। लिंगायतों के गढ़ सेंट्रल कर्नाटक में BJP की वापसी का दारोमदार, नतीजों से पहले भगवान की शरण में नेता। जी हाँ, कांग्रेस को सत्ता में लौटाएगी चामुंडेश्वरी में सिद्धारमैया की वापसी, लेकिन देखना होगा ये सभी सवाल, लेकिन देखना होगा। देखिए, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं कांग्रेस
बीजेपी जहां भी 77 पे थी वो 77 से सीधा 82 पे पहुंच गई है। अभी पिछले 1 मिनट में मैंने अभी आपको बताया बीजेपी 77 पे थी, 77 से ऊपर हटके 80 पे, 80 पर आ गई है। और यहाँ कांग्रेस जो कि 71 पे थी वो 78 पर आ गई है। कितनी तेजी से रुझान बढ़ रहे हैं ये मैं अभी आपको यही दिखा रहा था। और जबकि जेडीएस 25 पर ही अटकी हुई है, मैं यही दिखा रहा था आपको कि आखिर इतनी देर से मिनट 2 मिनट में गिनती बढ़ती रहती हैं और पार्टी कभी आगे कभी पीछे चलती रहती है। लेकिन जब तक पूर्ण तौर पर, जब तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो जाती, ये सिर्फ आंकड़े ये कहलाएंगे, इन पर हम पुष्टि अभी से नहीं कर सकते जब तक पूर्ण रूप से नतीजे घोषित नहीं हो जाते। लेकिन उससे पहले जो हाल लग रहा है, सबसे पहले जैसे ही चुनावों की गिनती शुरू, नतीजों की गिनती शुरू हुई, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कांग्रेस ने बढ़त हासिल की, कांग्रेस ने काफी देर तक बढ़त हासिल की, उसके बाद बीजेपी और फिर आईजेडीएस। लेकिन अभी 2 मिनट पहले ही हमने देखा कि बीजेपी कांग्रेस को पछाड़ते हुए 80 पर आ गई, और कांग्रेस जो कि 71 पे थी और जेडीएस जो कि बहुत कम पे थी, 25 पे थी, और अब जो कि अब दोबारा कांग्रेस लग रही है। मैं आपको दोबारा लेके चलना चाहूंगा, जूम करके कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, जरा वो दिखाएं। देखिए बीजेपी जो 80 पर थी आंकड़े के मुताबिक, वो भी 79 पर है और कांग्रेस भी 79 पर है, बराबर आ गई हैं दोनों। आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर आ गई हैं, यानी कि आपको बता दें 224 में से 122 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, और यहां पर 183 की गिनती हो चुकी है। देख सकते हैं आप दोनों बराबर हैं, और दोनों में देखना है आप कौन सी पार्टी आगे निकलेगी। जबकि जेडीएस 25 पर ही अटकी हुई है, और अगर दूसरे की दूसरे चैनल के हम आंकड़े देखें तो आखिर वो क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। इसमें भी कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। देखिए कांग्रेस को 78 मिले हैं और बीजेपी को 78 मिले हैं, और कांग्रेस को 74 और जेडीएस 25 पर ही अटकी हुई है, यानी कि जो आप देख रहे हैं। और ये अभी फिलहाल बहुत हमें पीछे दिखा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है चुनावों को देखते हुए कि पार्टी आगे और पार्टी पीछे। मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूंगा अपडेट में क्या है, फिर दोबारा बीजेपी 75 और कांग्रेस 67 दिखा रहा है, ये लाइव अपडेट जो कि बदलते रहते हैं। और देखना होगा कि जब तक सही तरह से आपको इसमें दिखाना चाहूंगा मैं, ये कर्नाटक 67, बीजेपी 75 और जेडीएस 24, इसी के आसपास आंकड़ा चल रहा है। कुल मिलाकर बात की जाए इसी के आसपास आंकड़ा चल रहा है। और अगर बात की जाए तो अब देखना होगा कि आखिर थोड़ी देर और, कुछ घंटे और, जो कि पता चल जाएगा कि कर्नाटक में किसकी सरकार बनने वाली है। जी हाँ, अभी वोटों की गिनती जारी है, और पहले से पहले कहना या पहले से खुशी मनाना ये सही नहीं होगा। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या कर्नाटक में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनेगी या फिर बीजेपी लौट कर आएगी। जो आंकड़े आ रहे हैं सामने, जो गिनती चल रही है, इसमें से अभी कहीं ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस पीछे चल रही है या बीजेपी पीछे चल रही है। दोनों ही पार्टी आसपास चल रही है, और दोनों में ही कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। जो कि और बात करें जेडीएस की, जो कि किंग मेकर बता रहे थे उसको, वो ऐसा रूप ले सकती है। जी हाँ, क्योंकि अगर, लेकिन दोनों पार्टी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, शायद जेडीएस की जरूरत भी ना पड़े, और दोनों पार्टियों में से कोई एक पार्टी हो सकती है जो पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है। लेकिन देखना होगा कि आखिर वो पूर्ण बहुमत से कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, कांग्रेस बनाएगी या फिर बीजेपी बनाएगी, राहुल का जादू चलेगा या फिर मोदी लहर चलेगी, राहुल की सक्रियता चलेगी या फिर मोदी के वादे चलेंगे, देखने वाली होगी बात। और जब तक ये नतीजे नहीं आते तब तक हम आपको इनकी हर खबर से अपडेट कराते रहेंगे। हर अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN9 न्यूज़। ये हम दिखाते रहेंगे आपको कि आखिर पल पल की खबर देते रहेंगे वहां पर क्या चल रहा है और कौन सी सीट पर कौन से मतदाता आगे चल रहे हैं और वहां पर क्या आंकड़े बता रहे हैं। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।